शिवसेना नेता संजय राउत जेल से रिहा हो गए। मैं सीधे आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। आर्थर रोड जेल के बाहर की करीब 102 दिन बाद संजय राउत की रिहाई जो है जेल से हुई है। आज सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और यहाँ पर आर्थर रोड जेल के बाहर इस वक्त जश्न का माहौल है। संजय राउत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, करीब 102 दिन के बाद संजय राउत आर्थर रोड जेल से बाहर निकले हुए और आर्थर रोड जेल के बाहर जो शिवसैनिक जमा हुए हैं उन्हें उनका हाथ दिखाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस वक्त संजय राउत वही अंदाज जो जेल जाते वक्त दिखा था संजय राउत का, उससे ही उसी तरह से जो है संजय राउत का अंदाज जेल से बाहर निकलने के बाद भी दिखा रहे। कार्यकर्ता जो है उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में आर्थर रोड जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। संजय राउत को आज ईडी ने पीएमएलए कोर्ट ने जो है जमानत दे दी है और इस समय आप देख सकते हैं कि संजय राउत कार्यकर्ताओं से जो है कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अब आर्थर रोड जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है और वो निकल कर अब सीधे बताया जा रहा है कि दादर के सिद्धि विनायक मंदिर में जाएंगे दर्शन के लिए, फिर उसके बाद शिवाजी पार्क में जो बाला साहेब ठाकरे का स्मृति स्थल है वहां पर भी उनका अभिवादन करने के लिए जाएंगे। आपको बता देख सकते हैं कि किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं संजय राउत। इस समय आर्थर रोड जेल के बाहर कार्यकर्ता जो है रंग और गुलाल उड़ाकर जश्न मना रहे हैं संजय राउत के रिहाई का और फटाके फोड़े जा रहे हैं। अब संजय राउत जो है 102 दिन के बाद करीब जेल से रिहा हुए हैं। आज ईडी ने इनके जमानत का सेशन कोर्ट से जब बेल मिला उसका जमानत का विरोध किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट का भी ईडी ने रुख किया था लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनके जमानत पर जो है रोक नहीं लगाई है। एक कुल मिलाकर 1 अगस्त को उन्हें पत्राचार जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था, तब से लेकर संजय राउत जो हैं वो जेल में बंद थे और आज उन्हें करीब करीब 102 दिन के बाद जमानत मिल गई। उनके जमानत मिलने के बाद शिवसैनिक जो हैं वो उत्साहित हैं, टाइगर इज बैक की जो नारेबाजी है उस तरह के नारे लगाकर इस समय शिवसैनिक संजय राउत का बाहर आर्थर रोड जेल के बाहर का जो है स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज 24 मुंबई।